सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा जो सब गुरुओं के भी गुरु हैं उनकी प्यारी संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज गुरु पूर्णिमा है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु वो होता है जो हमारे जीवन में पूर्णिमा ले आए, परफेक्शन ले आए, हमें राइट रॉन्ग का साक्षात्कार करा दे। और सब गुरुओं से बड़ा गुरु स्वयं परमेश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम सदाशिव परमात्मा है, जो हमारी सारी चिंताओं का हरण कर लेता है। अभी यश जी से कहेंगे कि वो हमें तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। ये गीत की कुछ पंक्तियां हमें सुनाएंगे। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चल पड़े हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचो भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। बहुत ही सुंदर। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। बहुत ही प्यारा और मधुर गीत यश जी ने गाया। आज हम, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और गुरु हमें राइट और रॉन्ग का, सत्य असत्य का साक्षात्कार कराता है, तो थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करेंगे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अथवा सत्य क्या है, असत्य क्या है,
ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रश्न है, बहुत ही क्लिष्ट प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति का राइट एंड रॉन्ग अपना अपना है। पत्नी कहती है मैं राइट हूँ, पति कहता है मैं राइट हूँ, और वाक युद्ध चल रहा है। संतान कहती है हम राइट हैं, पेरेंट्स कहते हैं हम राइट हैं। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें राइट रॉन्ग का बोध नहीं है। बचपन में जो राइट रॉन्ग होता है वो जवानी में बदल जाता है, और जवानी का सत्य बुढ़ापे में बदल जाता है। हमारी मान्यताएं, धारणाएं, बिलीफ्स भी बदलते रहते हैं। अलग अलग देशों के कानून के हिसाब से उनके राइट रॉन्ग भी में भी भिन्नता है। दुनियावी धर्मों के अनुसार भी अलग अलग धर्मों के राइट रॉन्ग अलग होते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में गाय की पूजा नहीं होती बल्कि बीफ खा लेते हैं, जबकि हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है। ऐसे अनेकानेक मान्यताएं हैं। विभिन्न वर्णों के भी राइट रॉन्ग अलग अलग हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। जैसे पृथ्वी सूरज के गिर्द घूमती है, यह विभिन्न वर्णों, धर्मों, जातियों, देशों की मान्यताओं के अनुसार परिवर्तन नहीं होते। वैज्ञानिक सत्य जो है वो धर्म, जाति, व्यक्ति के साथ परिवर्तित नहीं होते। यद्यपि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट कांस्टेंट चेंज, आध्यात्मिक जगत के सत्य भी सार्वभौमिक होते हैं, सर्वदा सर्वकालिक। सदगुरु हमें यूनिवर्सल स्पिरिचुअल सत्य का साक्षात्कार कराता है। या आज गुरु पूर्णिमा है, वो हमें यूनिवर्सल जो स्पिरिचुअल सत्य है उनका साक्षात्कार करता है। जो इटर्नल ट्रुथ है, जो वक्त के साथ बदलते नहीं, उनका साक्षात्कार कराता है। वो है आत्मा, परमात्मा, सृष्टि संबंधी सत्य। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। देह और पांच तत्वों का बना जो जगत है वो परिवर्तनशील है, और आत्मा का भी पुनर्जन्म होता है। हर आत्मा को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी देश की हो, सबको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए। कोई दुनिया में ऐसी आत्मा नहीं मिलेगी किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में, जो कहे मुझे शांति पसंद नहीं, आनंद पसंद नहीं, प्रेम पसंद नहीं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। सभी धर्मों में परमात्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान का दाता माना गया है। सभी धर्म कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव, गॉड इज ब्लिस, सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप, अल्लाहु अकबर। यदि हम अपने आत्मिक स्वरूप के अनुरूप कर्म करते हैं तो वो राइट है। यह आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि जो हम स्वरूपानुसार कर्म करते हैं वो राइट है। जब हम स्वरूप को छोड़कर विकृतियों के, विकारों के, कुवृत्तियों के अधीन कर्म करते हैं तो वो रॉन्ग है। रॉन्ग का फल जो होता है उसका सजा मिलती है, और हम शुभ कर्म करते हैं तो उसका पुण्य कर्मों का शुभ फल मिलता है। आज जो है इतना ही कहेंगे, लेकिन इस सत्य असत्य राइट रॉन्ग पे भविष्य में भी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही विशद सब्जेक्ट है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम शिव बाबा के पास आए हो अपने जीवन का श्रृंगार करने के लिए। अपने को ज्ञान रत्नों से, गुणों के मोतियों से तथा शक्तियों के अलंकारों से सुसज्जित करने आए हैं। प्रभु पिता की प्रभु स्मृति में, मधुर स्मृति में जीवन हीरे तुल्य बनाना है। अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने के लिए मोह के जाल को ज्ञान और योग की कैंची से काटना है। सबसे संबंध निभाते हुए भी बुद्धि में प्रभु की याद बनी रहे तो जीवन मुक्त आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, मैं मुसाफिर आया हूं दूर देश से तुम बच्चों की रूहानी सेवा करने के लिए। मैं परम धाम से आया हूं, तुम्हें पावन बनाकर वापस घर ले जाऊंगा। तुम बच्चों को ज्ञान योग बल से स्वयं को विकारी से निर्विकारी बनाना है। निर्विकारी बनने से तुम सुखी हो जाएंगे। भारत में
भक्ति मार्ग में शिवालय एवं देवालय बहुत बनाए हैं, अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं, भक्ति बहुत करते हैं। बहुत भक्ति करने वालों की पुकार सुनकर स्वयंभू शिव भगवान उन्हें सत्य ज्ञान तथा राजयोग की शिक्षा देकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्रदान करते हैं। सतयुग में यह दुनिया छोटा सा फूलों का बगीचा था, ईडन गार्डन था। अभी कलयुग में तो कांटों का जंगल, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स बन गया है। सब एक दूसरे को विकारों के कांटे चुभोते रहते हैं। अभी भगवान शिव आए हैं कांटों को फूल बनाने के लिए, इस जीवन की बगिया को सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। हम रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं रूहानी टीचर द्वारा, इससे हम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। सब स्टूडेंट्स आशिक हैं उस माशुक रूहानी टीचर के। ये पढ़ाई है देवपद की प्राप्ति के लिए। इस समय हम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। प्रभु पिता शिव की मधुर स्मृति से बहुत कमाई होती है, इतनी कमाई होती है जो तुम विष्णुपुरी में चले जाते हो। आईसीएस इम्तिहान की तरह ये भी बहुत बड़ा एग्जाम है। इसमें कभी काम का एग्जाम, काम की एग्जाम, कभी क्रोध की, कभी मोह अहंकार लोभ की एग्जाम। इन पांचों सब्जेक्ट में पास विदानर होकर दिखाना है। हमें हर समय कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि हमारा शरीर काफी ठीक है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां काम कर रही। हम लूले लंगड़े काने अंधे नहीं है, हम पशु नहीं बने। कई बच्चे तो गर्भ में ही मर जाते हैं। इसलिए दुनिया का मोह छोड़कर सत्यम शिवम सुंदरम पिता को दिल से याद कर हमें घर गृहस्थ को ट्रस्टी होकर संभालना है। गृहस्थी नहीं ट्रस्टी, सब कुछ प्रभु अर्पित कर देना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, स्वयं को भी प्रभु अर्पित कर देना है। बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, यही भाव रहे। बाबा मैं आपका, आप मेरे। हमारी स्थिति हमेशा एक्सेप्टेंस की हो। फुल स्टॉप लगाना सीखें। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। व्यर्थ चिंतन ना करें, सदा न्यारे प्यारे साक्षी होकर पाठ बजाएं। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। इसलिए हम सबको सहनशीलता, टॉलरेंस, पावर, इस गुण को धारण करना है। तो संस्कार हमारे जो बड़े कड़े संस्कार है वो भी नरम हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साची दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति।